एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में पेट्रोल पंपों को एनओसी देने वाली टीम के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से पेट्रोल पंपों को एनओसी जारी होती है, उसको स्पीड अप करने के लिए यह बैठक की गई है, जिसमें अलग अलग विभाग व संबंधित क्षेत्र के एसडीएम शामिल रहे, जिसको देखते हुए विभागों को बुलाया गया था, जिससे कि सभी के साथ समन्वय बनाकर एनओसी जारी हो सके। उन्होंने कहा, बैठक के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के बाद पेट्रोल पंपों को एनओसी जारी हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नोडल विभाग होने के नाते डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगते हैं। ठीक है, मेरे पास सर केवल आज के डेट में केवल चार पेंडिंग है और चारों में सर डीएम से रिमाइंडर जारी करा दिए। अब ये तीन फाइलें शायद सभी आदेश का इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा हो जाए कि इसे सर कोई नहीं है। नहीं, ये फाइल अभी तो ये इन्वॉल्व भी नहीं थी, इनका तो आज पहला वो है जी सर। यहाँ अभी तक आपका ही पटल से जारी होता है? नहीं सर, आपका ही पटल तीन वर्ष पूर्व था सर। सरकारी पटल पर ही था हम लोग, कोई बात नहीं। सर सर ये है 8 फरवरी 21 का आदेश सर। किसके पास होगी आप सब जो हमको मिला था सर, हम फाइल में लगा दिए। इस फाइल में ही होगा चेक करना? नहीं, वन विभाग एक एक टिक लगा ली, अंदर देखिए हो सकता वन विभाग की लगी सारी फाइल आए सर। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस हूँ। आज बैठक की गई है जिसमें पेट्रोल पंपों की जो हमारे यहाँ एनओसी जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जारी होती है, उसको स्पीड अप करने के लिए ऐसा किया गया है। और इसमें चूंकि विभिन्न विभाग सम्मिलित होते हैं, तो सभी विभागों को आज यहाँ बुलाया गया था। एक नवाचार, एक नया इनिशिएटिव है कि जहाँ से एनओसी जारी होनी है उनको एक साथ बुला लिया जाए, उस पर चर्चा हो जाए, जिससे मैक्सिमम एक सप्ताह से 10 दिन में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से पेट्रोल पंपों की एनओसी जारी हो जाए।